और बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां के राजकीय बाल सुधार गृह में रहने वाले 10 किशोर बच्चों ने घरों को रोशन करने का काम किया है। इन बच्चों के हाथों से बनी मोमबत्ती अंधियारा दूर करेगी, वहीं इन बच्चों के हाथों से बनी धूपबत्ती से घर में खुशबू से महक उठेगा। जिला प्रोबेशन अधिकारी और बाल सुधार गृह के अधीक्षक की पहल से इन बच्चों के जीवन में सुधार के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे बच्चों के हुनर में विकास हो सके। और इसी के मद्देनजर शिक्षिका गीता साहनी बच्चों को मोमबत्ती और धूप बत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया है, जिससे उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनके हुनर को भी निखारा जा सके। दीपावली के शुभ अवसर पर सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पे हमारे स्टाफ का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, दीपावली के इस अवसर पर हमने यहाँ पे निरुद्ध किशोरों द्वारा कुछ मोमबत्तियाँ बनवाई गई हैं, कुछ धूपें बनवाई गई हैं और साथ ही अन्य कार्य भी करवाए गए हैं। जैसे यहाँ पे समय समय पर एक ये प्रोग्राम चलते रहते हैं, प्रशिक्षण के प्रोग्राम चलते रहते हैं। हमने पहले मोमबत्तियाँ अगरबत्तियाँ सिखाई, मोम जो है वो कैसे गलाते हैं, कैसे बनाते हैं, प्रोसेस वो बताती हूँ। उसके बाद उनको सांचे में डालना, ठंडा करना और फिर इनकी पैकिंग वगैरह और जो भी इसमें पैकिंग में जो भी सामान होता है उसको कैसे पैक करते हैं, सब मैं बताती हूँ।